हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं लेके आई हूँ एक नई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो, इसके बारे में नोटिफिकेशन, जो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब है रेलवे आरसीएफ सीधी भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 2023 स्टार्ट हो चुके हैं। बिना एग्ज़ाम की नौकरी है, यानी कि आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना, डायरेक्ट सीधा भर्ती होने वाली है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है आपका। बस इसमें 10th पास होना ज़रूरी है और 550 पोस्ट पे इसमें वैकेंसी निकली हुई है। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो ज़रूर से करना। सारे स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस के लिए और वीकली वैकेंसीज की वीडियो के लिए। हम आ चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ से हम देखेंगे किसके लिए कितनी वैकेंसीज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिटर के लिए, जो फिटर है उसके लिए वैकेंसी टोटल रखी गई है 215, वेल्डर के लिए रखी गई है 230, मैकेनिस्ट के लिए रखी गई है 5, पेंटर के लिए भी 5 है, कारपेंटर के लिए भी 5 है, इलेक्ट्रिशियन वाले के लिए 75 है और एसीएल रखे मैकेनिकल के लिए 15 है। तो मतलब टोटल यहाँ पे हमारी 550 के करीब वैकेंसी है, जिसमें कैटेगरीज वाइज देख सकते हैं यूआर कैटेगरीज वालों के लिए कितना है, एससी वालों के लिए कितना है, एसटी वालों के लिए कितना है, ओबीसी वालों के लिए कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा उसकी बात कर लेते हैं हम। तो देख लीजिए, सिलेक्शन बिल्कुल बेसिस ऑन द मेरिट लिस्ट, आपका जो सिलेक्शन होगा ये मेरिट बेस होगा, यानी कि मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होगा आपका सिलेक्शन होगा। गाइस थोड़ी सी पीछे आवाज़ आ रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसके लिए सॉरी थोड़ी सी नॉइज़ है। इसमें क्या है, आपका 50% आपके कम से कम 10th में मार्क्स होने चाहिए तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। साथ के साथ आपका आईटीआई मांगा गया है। इन केस ऑफ टू कैंडिडेट्स हैव द सेम मार्क्स, द कैंडिडेट्स विद ओल्डर एज शैल बी प्रीफर्ड। अगर ऐसे मेरिट लिस्ट पे हो रहा है तो सपोज दैट आप में से किसी 2% का अगर सेम परसेंटेज है तो वो लोग किसको सिलेक्शन करेंगे, इसके लिए है द कैंडिडेट्स विद ओल्डर एज शैल बी प्रीफर्ड, जो ओल्डर एज का होगा उसे पहले प्रीफर्ड किया जाएगा। और यहाँ पे ये लिखा है, एक पॉइंट होता है, अ फाइनल मेरिट लिस्ट विल क्रिएट ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर परसेंटेज ऑफ। आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे किया जाएगा उस बारे में। एलिजिबिलिटी कंडीशन, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, द कैंडिडेट शुड हैव बीन कम्प्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड नॉट हैव कम्प्लीटेड ओनली 4 ईयर्स ऑफ, यानी कि आपकी 15 से 24 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी 31/3/2023 के बेसिस पे। अपर एज लिमिट के रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का और ओबीसी वालों के लिए 3 साल का, आप इस वाले पॉइंट में देख सकते हैं। और नेक्स्ट की बात करें फिजिकली हैंडीकैप पर्सन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे बताया है, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम आपका 10th पास होना चाहिए और इट्स अंडर 12th एग्जामिनेशन विद 50% मार्क्स होने चाहिए, और साथ के साथ आपका आईटीआई, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका आईटीआई भी मांगा गया है। पेमेंट ऑफ फीस, आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी, तो जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो आपकी लगेगी 100 रुपये। ये जो पेमेंट है ये आपको पे करनी है ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में आपकी पेमेंट को ली जाएगी। और ये जो पेमेंट जो आप पे करेंगे ये आपकी नॉन रिफंडेबल फ़ीस होगी, आपको रिफंड नहीं मिलने वाली है। द कैंडिडेट्स हु फॉर्म इज फिल्ड कम्प्लीटली सक्सेसफुली ही विल शी नो पे टू फी आफ्टर 2 डेज। तो आपको क्या है, जो आपने अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो 2 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी होगी। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, नो फीस इज़ रिक्वायर्ड टू पे बाय एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट्स। हाउ टू अप्लाई, आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्रोम पे जाना है, क्रोम पे आपको सर्च करना है www.rcf.indianrailway.government.in, यहाँ से आप जाके उस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। सारे इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत ही ज़्यादा केयर करिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फोटोग्राफ कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, आपको जो अपनी फोटोग्राफ को स्कैन वगैरह करने के लिए जो आपकी जो फोटोग्राफ वहाँ पे अपलोड होगी वो आपकी अपलोड होगी JPG और JPEG फॉर्मेट में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, और साइज़ का यहाँ पे दिया गया है 3.5। सिग्नेचर भी है आपको देने होगी। लास्ट डेट फॉर रिसेप्ट, आपकी लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन भरने की, तो जो लास्ट डेट रही है आपकी एप्लीकेशन भरने की वो है आपकी 4 मार्च 2023 तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टेप के बारे में यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं इंस्ट्रक्शन, वो आप पढ़ें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, इसका पीडीएफ मैं पिन कर दूँगी कमेंट बॉक्स में। मेडिकल फिटनेस वगैरह भी आपकी देखी जाएगी, हेल्थ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कुछ जिसे आप पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी की और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं,
तो गाइज़ यहाँ पे ये वीडियो खत्म है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ऐसी और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस के लिए और वीकली वैकेंसीज की वीडियोस के लिए।